नमस्कार, सांदा न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पुण्य के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पहुंचे और खारू नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने खारू नदी में कार्तिक स्नान करने के उपरांत ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल होते हुए दीपदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। साथ ही उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महादेव घाट में खारू नदी के किनारे रिवर फ्रंट के निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, महापौर एजाज डेवर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। खारू तट पे भगवान हटकेश्वर महादेव विराजमान है और हमारी छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मेला यही भरा जाता है महादेव घाट में। आज इस पुण्य मेला में सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हटकेश्वर महादेव सबकी मनोकामना पूरी करे, बहुत बहुत बधाई। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए पहले हम रिवर फ्रंट बनाने से सोच रहे थे, लेकिन कोरोना काल के कारण से इसमें विलम्ब हुआ है। ये नदी के किनारे किनारे रिवर फ्रंट हम बना दें ताकि जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था उसी प्रकार से कुछ उसका भी व्यवस्था हो, तो श्रद्धालु स्नान भी कर पाएंगे, दर्शन भी कर पाएंगे और मेला भी करने में आसानी होगी। तो ये रिवर फ्रंट हम लोग बनाए ताकि आने वाले वर्षों में संख्या और बढ़ती जाएगी, तो उसके जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिवर फ्रंट का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए घोषणा करता हूँ।